नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। कन्नड़ अभिनेता सुदीप और बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन के बीच ट्विटर पर हिंदी भाषा को लेकर छिड़ी बहस ने राजनीतिक रंग ले लिया है। खासतौर पर कर्नाटक की राजनीति में अजय देवगन का ट्वीट चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ तक कन्नड़ अस्मिता के नाम पर सभी दलों के नेता एकजुट नजर आ रहे हैं। सुदीप और अजय देवगन के बीच ट्विटर पर छिड़ी बहस को लेकर बोमई ने कहा कि हमारे राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ था, क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया गया था। सुदीप का बयान सही है और उसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए। उनकी ये टिप्पणी कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया के बयान के बाद आई है। दरअसल सुदीप ने KGF 2 मूवी को राष्ट्रीय फिल्म बताए जाने से जुड़े एक सवाल के जवाब में टिप्पणी की थी। इस पर विवाद छिड़ गया था। उन्होंने दावा किया था कि अब हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं रह गई है। उनका कहना था कि यदि बॉलीवुड खुद को पैन इंडिया सिनेमा कहलाना चाहता है तो फिर उसे अन्य भाषाओं में भी मूवीज की डबिंग करनी चाहिए। इस पर अजय देवगन ने जवाब देते हुए कहा था कि यदि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो फिर कन्नड़ की फिल्मों की हिंदी में डबिंग क्यों की जा रही है। इसके आगे अजय देवगन ने कहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा थी, है और हमेशा रहेगी। वहीं सिद्धारमैया ने कहा था कि मुझे कन्नाड़िया होने पर गर्व है। वहीं जनता दल के नेता कुमार स्वामी ने भी सुदीप का समर्थन किया। वहीं कुमार स्वामी ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि एक बड़ी आबादी हिंदी बोलती है इसे राष्ट्रभाषा नहीं कहा जा सकता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 9 राज्यों से कम में हिंदी दूसरे या तीसरे नंबर की भाषा है, या ऐसे भी राज्य हैं जहां उसे ये मुकाम भी हासिल नहीं है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।